हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय दोस्तों। इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज शेयर करने वाले दोस्तों। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहे हैं। दोस्तों आप लोग अगर गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो, तो दोस्तों आपके साथ भी अगर ये प्रॉब्लम होता है कि डाउनलोड पेंडिंग, नॉट डाउनलोडिंग, ठीक है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ इस प्रॉब्लम का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूँ। आप लोग अगर वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपका जो ये प्रॉब्लम पूरा पूरी सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये अगर आपका मोबाइल में भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है कि डाउनलोड पेंडिंग, आप लोग गूगल प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना जा रहे हो, वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, आपका सब कुछ सेटिंग बार बार सब कुछ ठीक ठाक है, इंटरनेट स्पीड भी ठीक ठाक है, तब ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों तब सबसे पहले आप लोगों को जो चेक करना होगा, सबसे पहले आपका जो इंटरनल मेमोरी को चेक करना होगा। दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हैं कि इंटरनल मेमोरी के साथ डाउनलोड का क्या संबंध है। दोस्तों जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग ये जो दो तीन ट्रिक्स आप लोग अप्लाई करो तो आपका जो पहले जो प्रॉब्लम आया था डाउनलोड पेंडिंग, वो दोबारा से नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फोन स्टोरेज चेक करो। देखिए दोस्तों मेरा फोन स्टोरेज अभी अवेलेबल है 4.36 GB। ये आप लोग सबसे पहले चेक करो आपका फोन स्टोरेज अवेलेबल है या नहीं है। अगर फोन स्टोरेज अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपका फोन स्टोरेज को क्लियर करो, मिनिमम 1 से 1.5 GB तक फ्री करो। जो अननेसेसरी फाइल्स है, फोटोज है, वीडियोस है, उसको डिलीट कर दो, तो फोन मेमोरी 1 से 1.5 GB तक फ्री करो। उसके बाद आप लोग सेटिंग में आ जाओ। आपका मोबाइल का जो सेटिंग है, वो सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को आना पड़ेगा एप्लीकेशन मैनेजमेंट, ऐप मैनेजमेंट, जो कोई भी ऑप्शन है आपका मोबाइल में। तो मेरा मोबाइल में है एप्लीकेशन ऐप मैनेजमेंट, सॉरी मेरा मोबाइल में ऐप मैनेजमेंट। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद दोस्तों आप लोगों को जो सिस्टम का डिफॉल्ट एप्लीकेशन है उसको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सिस्टम का डिफॉल्ट एप्लीकेशन है, मैं उसको सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना क्या होगा वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को तीन जो एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा, पहले गूगल प्ले सर्विस, दूसरा वाला है गूगल प्ले स्टोर, तीसरा वाला है गूगल सर्विस फ्रेमवर्क। दोस्तों ये सभी का मोबाइल में इंस्टॉल होता है, डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन होता है सभी का मोबाइल में रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग गूगल प्ले सर्विस में जाना पड़ेगा। गूगल प्ले सर्विस में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को स्टोरेज जो यूजर्स है उसको क्लियर करना पड़ेगा, कैच क्लियर, कैच डाटा, ये करना पड़ेगा। आप लोग ध्यान से वीडियो देखिए दोस्तों, अगर ये करोगे तो आपका कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं होगा, सिर्फ इसका कैच डेटा क्लियर होगा और कैच क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आप लोगों को करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आप लोगों को सेम प्रोसेस यहाँ पर अप्लाई करना होगा, पहले कैच क्लियर कैच करना होगा, उसके बाद क्लियर डेटा करना होगा, उसके बाद आप लोगों को फिर से बैक करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो में आप लोग कमेंट छोड़ेगा कि मेरे नहीं हुआ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप लोग ठीक से ढंग से तीन तरीकों को चार तरीकों को अप्लाई करोगे तो आपका 100% ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को गूगल सर्विस फ्रेमवर्क आप लोग देख सकते हो, इसमें क्लिक करना होगा। इसके बाद आप लोगों को स्टोरेज को यहाँ से भी क्लियर कैच क्लियर डेटा करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग गूगल सर्विस फ्रेमवर्क को फोर स्टॉप करना होगा, ठीक है। और आप लोग देख लेना यहाँ से परमिशन, जो सब कुछ परमिशन यहाँ पर परमिशन आप लोगों को फोन में है कि नहीं, नहीं है परमिशन नहीं है तो परमिशन को ग्रांट कर देना, ठीक है। तो मेरा फोन में परमिशन ग्रांट है, तो उसके बाद आप लोगों को फोर स्टॉप करना होगा। तो फिर आपका जो मोबाइल है उसको आप लोग रिस्टोर मार दो, ठीक है, रिस्टार्ट कर दो मोबाइल, आपका जो हैंडसेट है उसको रिस्टार्ट मार दो। रिस्टार्ट के बाद दोस्तों 2-5 मिनट बाद आप लोग आपका इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करो, तो फिर से ट्राई करो। मैं आप लोगों को 100% दे रहा हूँ आपका जो प्रॉब्लम था डाउनलोड पेंडिंग, डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो नहीं होगा दोस्तों, आपका डाउनलोड जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मेरा पहले डाउनलोड पेंडिंग शो कर रहा था, अभी क्या दिख रहा है आप लोग ठीक से देखिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को सामने लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। तो पहले जो डाउनलोड में अगर करने जा रहा था तो डाउनलोड पेंडिंग दिखा रहा था, तो अभी मैं इंस्टॉल में क्लिक किया, देखिए दोस्तों अभी डाउनलोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग भी आपका जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्यूशन कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे शेयर करना, चैनल में नया तो चैनल को लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।